गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं अभिषेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। आज है हमारे लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स डे, यानी कि जुलाई महीने के पहले हफ्ते में हमारे लिए जो भी समसामयिकी हमारे राजकीय लेवल पर हमारे लिए जरूरी होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, उनको हम आज डील करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में हम चलते हुए सबसे पहले देखेंगे इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि नारायण लिम्ब एंड कैलिपर प्लेसमेंट ड्राइव हमारा रायपुर में आयोजित किया गया था। फिर दूसरा है हमारे पास में युवा रत्न सम्मान। उसके बाद में हम चलेंगे हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक में, जो है पीपल इन न्यूज, यानी कि खबरों में रहने वाले व्यक्ति या फिर चर्चित व्यक्ति। और ये कौन कौन है? युगांश वर्मा, सोनाक्षी निषाद, गुणवंश निषाद, ये सभी वो व्यक्ति हैं जो हमारे लिए क्या बने हुए हैं, चर्चा का विषय रहे हैं जुलाई के पहले हफ्ते में। फिर हम चलेंगे, क्या हमारे पास में कोई ऐसे जगह हैं क्या जो चर्चित रहे हैं, यानी कि प्लेसेस इन न्यूज? तो बिल्कुल, हमारे पास में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नामक एक जिला है जो न्यूज में है, क्यों है हम आगे देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे पास में कोई महत्वपूर्ण दिवस, रिपोर्ट्स या फिर पुरस्कार है क्या? तो हमारे पास में एक कैंपेन है जिसे हमने नाम दिया है क्या, निजात कैंपेन, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फिर हम फाइनली हमारे चलेंगे कहां पर, खेल में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन कैसा रहा, कोई हमारे राजकीय लेवल के या फिर कोई महत्वपूर्ण खेल हमारे राष्ट्रीय महत्व के जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें से सबसे पहला हमारे लिए और एकमात्र इस हफ्ते का है क्या, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक पुरस्कार दिया गया है हाल ही में, हम उसको देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ विविध तथ्य, यानी कि मिसलिनियस फैक्ट्स, जिसमें से एक हमारे पास में आ जाएगा ऑपरेशन मानसून प्रहर और दूसरा है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे लिए इस हफ्ते की महत्वपूर्ण चीजों में, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत ही जबरदस्त कदम हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर की एक या फिर बोला जाए राजस्थान की एक एनजीओ ने आकर के उठाया है। और हमारे यहाँ जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उन्हें, उनके लिए क्या दिया गया है, आर्टिफिशियल उनके लिम्स दिए गए हैं, यानी कि उनके कृत्रिम अंगों को दान किया गया है एक राजस्थान की एनजीओ के माध्यम से, है ना? तो देखते हैं क्या है, कैसा है। सबसे पहला है आपका, इस जो ड्राइव था इसका नाम था नारायण अंग एवं कैलिपर्स प्लेसमेंट अभियान, या फिर नारायण लिम्ब एंड कैलिपर्स प्लेसमेंट ड्राइव। ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये जैन दादाबाड़ी रायपुर में आयोजित किया गया था 30 जून 2024 को। ये जो हमारा हफ्ता, ये जो हमारा करंट अफेयर्स है, ये जुलाई के ये नाम इसका जरूर हमारा जुलाई वीक टू है, लेकिन ये जुलाई के पहले हफ्ते में, यानी कि 30 जून से लेकर के 6 जुलाई तक की जो भी घटनाएं हैं उनको हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो ये जो आपका ड्राइव था ये 30 जून 2024 को आयोजित कराया गया था, और इसमें क्या किया गया है, किसके द्वारा कराया गया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये उदयपुर राजस्थान की एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब गैर लाभकारी गैर सरकारी संस्थान है, जिसका नाम है क्या, नारायण सेवा संस्थान। इसके द्वारा कुल मिलाकर के 795 डिफरेंटली एबल्ड जो लोग रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी को क्या दिया गया है, आर्टिफिशियल पार्ट्स दिए गए या फिर प्रोस्थेटिक पार्ट्स दिए गए हैं, है ना? जिनके हाथ नहीं है उन्हें हाथ, जिनके पैर नहीं है उन्हें पैर, या जिनके दोनों नहीं है उन्हें दोनों, इस प्रकार से प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? नारायण सेवा संस्थान के द्वारा। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को? 795 लोगों को इससे फायदा दिया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे हैं और उन्होंने काफी सराहना भी की है इसकी। इसके बाद में 315 लोग जो थे उन्हें लोअर लिम्ब्स दिए गए हैं, यानी कि पैर, कृत्रिम पैर दिए गए हैं, और वहीं जो 120 लोग थे उन्हें अपर लिम्ब्स दिए गए हैं, यानी कि हाथ से, शोल्डर से लेकर के हाथ तक के, और वहीं जो 80 हैं उन्हें मल्टीपल लिम्ब्स दिए गए हैं, मतलब दोनों ही अपर लिम्ब्स एंड लोअर लिम्ब्स दिए गए हैं, और 280 को क्या दिया गया है, कैलिपर्स लगाए गए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय कैलाश मानव एंड करंट प्रेसिडेंट इज प्रशांत अग्रवाल। तो कैलाश मानव द्वारा इस संस्थान का क्या किया गया था, नींव रखी गई थी, और वर्तमान के जो इसके अध्यक्ष हैं यह हैं आपके प्रशांत अग्रवाल, ठीक है? तो वही है हमारा
उदयपुर राजस्थान स्थित गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है नारायण सेवा संस्थान, जिसके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में ये क्या है आपका नारायण लिंब एंड कैलिपर्स प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करा गया था। कहां पर? रायपुर के जैन दादा बाड़ी में 30 जून 2024 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा हमारे पास में जो महत्वपूर्ण है ये है आपका युवा रत्न सम्मान। अब ये युवा रत्न सम्मान है क्या? राज्य के युवाओं में मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या किया जाएगा, युवाओं को युवा रत्न सम्मान से सुसज्जित किया जाएगा या उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो खेल, साहित्य, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा, नवाचार जैसे विविध क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाएगा। यह किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या दो चार पर्टिकुलर क्षेत्रों में क्या नहीं है, इसे लिमिट नहीं किया गया है, ये बहुत सारे विविध क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगले साल 2024-2025 के जनवरी फरवरी से इसे शुरुआत कर दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभाओं को संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने के लिए राज्य के हर जिले में क्या किया जाएगा, युवा केंद्रित परिसर बनाए जाएंगे और उस परिसर में क्या किया जाएगा, युवाओं की प्रतिभाओं को निखारा भी जाएगा और साथ साथ हमारे समाज के मूल्यों और संस्कृति से उन्हें क्या किया जाएगा, रीइन्फोर्स किया जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे पास में कुछ व्यक्ति हैं जो इस हफ्ते हमारे लिए क्या बने हुए हैं, चर्चा का विषय रहे हैं, महत्वपूर्ण रहे हैं और क्यों रहे हैं ये देखते हैं। हमारे पास में एक है युगंश वर्मा, दूसरी है सोनाक्षी निषाद और तीसरे हैं गुणवंश निषाद। ये तीन वो व्यक्ति हैं जो जुलाई के पहले हफ्ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इंदौर में होने वाली सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ प्रतियोगिता, सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ प्रतियोगिता के लिए चयनित कर लिया गया है और ये आपका अगस्त में इंदौर में होने वाली क्या है, एक प्रतिस्पर्धा है। तो ये बच्चे कहां से हैं? रायपुर जिले के तिल्डा तहसील के तारपोंगी नामक एक छोटे से गांव से हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे राज्य की जो सरकारें हैं उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो अब पूरी तरह से परकुलेट कर रही हैं कहां पर, हमारे गांवों में। इसलिए अब हमारे गांवों के जो बच्चे हैं वो बुनियादी चीजों से ऊपर उठ करके, यानी कि हम जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की बात करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते हैं, वो बेसिक चीजों से ऊपर उठ करके अब शिक्षा, खेल जैसे क्षेत्रों में, तकनीकी जैसे क्षेत्रों में हमारा क्या कर रहे हैं, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये युगांश वर्मा, सोनाक्षी निषाद और गुणवंश निषाद, जो रायपुर जिले के तिल्डा तहसील के तरपोंगी नामक एक ग्राम से हैं, उन्हें क्या कर लिया गया है, सब जूनियर नेशनल मिनी गोल्फ प्रतियोगिता के लिए जो कि इंदौर में आयोजित होगी अगस्त में, उसके लिए इनका चयन कर लिया गया है। हमारे राज्य के लिए प्राउड का मोमेंट है। आगे चलते हैं। क्या हमारे पास में कोई ऐसे स्थल हैं जो इस हफ्ते चर्चित रहे हैं? तो बिल्कुल, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हमारे लिए चर्चा का विषय रहा है और ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज टू बूस्ट डेवलपमेंटल वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विथ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ये यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस के जो बाल कोष है उसकी तकनीकी सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने वाला है, है ना। यूनिसेफ न केवल स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी सहायता करेगा जो अंततः लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण में सहायक होंगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, बाल संरक्षण, आपदा प्रबंधन। जिले के सभी विभागों से कहा गया है कि वे यूनिसेफ को सभी प्रकार की
वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करें। तो जो आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है वहां स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए खास करके विशेषकर जो आपके बच्चे हैं उनके लिए 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर यूनिसेफ के टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये करने वाला कौन होगा, ये करने वाला आपके राज्य सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ये क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन इज टू बूस्ट डेवलपमेंटल वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन विद टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, है ना। और इसमें यूनाइटेड नेशंस ये जो आपका चिल्ड्रंस फंड है ये ना केवल आपके स्वास्थ्य और खाद्य के लिए या फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए काम करेगा, बल्कि वे सभी एसोसिएटेड जो आपके फील्ड्स होते हैं जैसे एजुकेशन, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी के लिए वो काम करेगा। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें घूम फिर के कहां पर जाएंगी, जो बच्चों का विकास होगा, कौन सा विकास, खाद्य एवं आपका क्या स्वास्थ्य एवं पोषण का जो क्षेत्र होगा उसमें ऑटोमेटिकली वृद्धि होने लगेगी। अगला चलते हैं, हमारे पास में कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या फिर कोई डे है या फिर कोई कैंपेन्स हैं तो बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का बहुचर्चित निजात कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के साथ साथ समस्त जो बड़े जिले हैं हमारे, जो मेजर सिटीज हैं हमारे राज्य की, उन सभी जगह निजात कार्यक्रम लागू कराया गया है या फिर चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ की पुलिस विभाग द्वारा। और स्पेसिफिकली इस साल ये जो निजात कार्यक्रम है ये सूखे नशे के अगेंस्ट में निजात कार्यक्रम कराया जा रहा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो निजात कार्यक्रम है इट इज एन एंटी ड्रग एंड इलिसिट लिकर कैंपेन ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस। इट हैज बीन शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज रायपुर। इन लास्ट 5 months इंसिडेंसेस ऑफ मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 15%, those of knife stabbing by 40%, rape by 10%, molestation by 23%। तो ये जो निजात कार्यक्रम है पिछले 5 महीनों रायपुर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। कंटिन्यूअसली वहां के क्राइम रेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में लगभग 15% की क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। जो आपका चाकूबाजी है उसमें कितने परसेंट की कमी देखी गई है, 40% की कमी देखी गई है। जो रेप के इंसिडेंसेस है उनमें 10%, हालांकि ये बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा कमी आनी चाहिए, है ना, लेकिन इसमें अभी फिलहाल 10% की कमी देखी गई है। मोलेस्टेशन में भी कितना कमी देखा गया है, 23% की कमी यहां पर हमें देखने को मिली है। द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2022, 2022 में इस निजात कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, अंडर द लीडरशिप ऑफ संतोष सिंह आईपीएस ऑफिसर। उस समय के तत्कालीन जो आईपीएस ऑफिसर थे 2022 में हमारे छत्तीसगढ़ में संतोष कुमार सिंह, उनके द्वारा इस निजात कार्यक्रम को शुरू किया गया था, क्योंकि हर साल दर साल जो क्राइम रेट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे। और एक कॉमन फैक्टर ये निकल के आ रहा था कि क्राइम, जो मैक्सिमम क्राइम्स होते हैं 90% क्राइम्स आर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, जिसके कारण संतोष सिंह ने क्या किया था, ये निजात कार्यक्रम लेकर के आए थे। और इनका ये था कि पूरे छत्तीसगढ़ को हम नशा मुक्त करा देंगे, और उसी के कारण ही इन्हें क्या दिया गया था, ये अपना ठीक है, संतोष कुमार सिंह हु पायनियर्ड द ड्राइव विथ इंटेंसिफाइड एफर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरिया, राजनांदगांव एंड प्रेजेंटली कंटिन्यूइंग इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, कोरिया और राजनांदगांव जिलों से शुरुआत हुई थी, आज ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में चल रही है ये कार्यक्रम। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस IACP, ये यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्टेड द एंटी ड्रग एंड इलिसिट लिकर कैंपेन निजात ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस फॉर लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड इन इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी इन ईयर 2022, मतलब सन 2022 में इस निजात कार्यक्रम को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस द्वारा लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन का क्या मिला था, अवार्ड दिया गया था, है ना। तो ये निजात कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में संस्थागत श्रेणी में इसे अपराध रोकथाम के नेतृत्व वाले कैंपेन्स में से एक का क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो डेटा आया है उससे हम लोगों को पता चल रहा है पिछले 5 महीने में स्पेसिफिकली हमारे राज्य की जो राजधानी है वहां पर क्राइम रेट में काफी क्या हुई है, कमी हमें देखने मिल रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। चलिए आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे छत्तीसगढ़ का कोई रोल रहा है क्या, कुछ रहा है, बिल्कुल देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ईयरली अवार्ड्स घोषित किए गए हैं, मतलब वार्षिक पुरस्कार दिए गए हैं किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा। और ये क्यों दिया जाता है, घरेलू टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल बन गए हैं उनका नाम है क्या, आयुष पांडे, और प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल है उनका नाम है क्या, कृति गुप्ता, माफ कीजिएगा। तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कौन है, यह है आयुष पांडे, और प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कौन है, तो यह है कृति गुप्ता। और साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किन्हें, बलदेव सिंह भाटिया को, जो कि इस आपका छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ जो है उसके क्या रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, बलदेव सिंह भाटिया के क्या रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये सभी आपको कब दिया गया है, ये अवार्ड्स घोषित किए गए हैं 3rd of July 2024 को। हालांकि ये फैक्ट आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो सवाल है ये आगामी केवल 1 से 2 महीनों तक हमारे जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्लेयर ऑफ द ईयर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किसे दिया गया है, तो आयुष पांडे को दिया गया है, और फीमेल में किसे दिया गया है, कृति गुप्ता को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, बलदेव सिंह भाटिया को दिया गया है ना। इसके बाद में हमारे पास में कुछ थोड़े से विविध तथ्य हैं। इस हफ्ते हमारे लिए छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं रहे हैं जो हमारे एग्जाम उपयोगी रहे, इसलिए हम अपना आगे कंटिन्यू करते हुए फिलहाल मिसलेनियस में चलते हैं, यानी कि विविध में। और विविध में हमारे पास पहला है क्या, ऑपरेशन मॉनसून प्रहार। अब ये ऑपरेशन मॉनसून प्रहार क्या है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से आप लोगों को प्रत्यक्ष क्वेश्चन देखने मिलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, मॉनसून प्रहार ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित ऑप्शन दिए जा सकते हैं, शिक्षा अभियान से संबंधित आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, महिला सशक्तिकरण से दिए आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है हम देखते हैं। इट इज अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ DRG यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, DRG, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। तो ये तीनों का एक कंबाइंड ऑपरेशन है, किसके अगेंस्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी हैं उनके अगेंस्ट में, नक्सली हैं उनके अगेंस्ट में। और ये कहाँ पर आयोजित कराया गया था, ये आयोजित कराया गया था आपका नारायणपुर के अबूझमाड़ में, और ये लगभग लगभग आपका 2 महीने पहले यानी कि जून में जो हुआ ऑपरेशन जल शक्ति मिशन था जो हाईली सक्सेसफुल था, उसी की ही तर्ज पर इसे क्या लाया गया है, बनाया गया है। कौन सा है ये है ऑपरेशन मानसून प्रहर, है
है ना। और इसमें क्या हुआ है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नक्सलाइटीज ऑफ द एरिया, है ना, मतलब यहाँ के जो नक्सली हैं उन्हें बड़े पैमाने पर उनका विनाश किया गया है, बहुत सारे एम्यूनिशंस यानी कि गोला बारूद बरामद किए गए हैं, बहुत सारे नक्सलियों का क्या कराया गया है, आत्मसमर्पण कराया गया है। तो ये भी काफी एक सक्सेसफुल अभियान रहा है, क्या, मॉनसून प्रहर। इसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियाद नेल्लानार एक योजना चलाई जा रही है, विच इज अ स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर रीजुविनेशन ऑफ पीपल ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरियाज, मतलब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के आसपास में रहने वाले जो आम लोग हैं उन सभी का समाज के मुख्य धारा में वापसी कराने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है नियाद नेल्लानार, जिसमें क्या होगा, प्रोविजन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट फैसिलिटीज टू विलेजेस लोकेटेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ सिक्योरिटी कैंप्स बाय सेटअप बाय फोर्सेज, मतलब इन तीनों के द्वारा जो भी वहां पर सिक्योरिटी कैंप्स बनाए गए हैं फोर्सेस के द्वारा, उनके 5 किलोमीटर के रेंज में जो भी हमारे गांव है उनमें हम क्या कराते हैं, यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनको वहां तक मुहैया कराने के लिए हम किस पर वो हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं, ये जो कैंप्स हैं और कैंप्स के फोर्सेस हैं। तो ये हमारा क्या है, नियाद नेल्लानार स्कीम, जो कि है किस काम के लिए, हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कायाकल्प के लिए या फिर पुनर्वास के लिए कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के भीतर स्थित गांवों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे गांवों के साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों का भी क्या हो, सर्वांगीण विकास हो सके और समाज के मुख्य धारा में वो वापस से जुड़ सके। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास एक पेड़ माँ के नाम, व्हाट इज इट, इट इज अ प्लांटेशन कैंपेन इनिशिएटेड इन छत्तीसगढ़ बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राखी रायपुर। तो ये जो आपका एक पेड़ माँ के नाम है, ये छत्तीसगढ़ का एक क्या है, प्लांटेशन ड्राइव है, पौधारोपण एक क्या है आपका कार्यक्रम है, जिसे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट उच्चतर माध्यमिक शाला राखी जो रायपुर में स्थित है वहां से शुरुआत किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव इज टू डू प्लांटेशन इन ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स ऑफ द स्टेट, राज्य की सभी स्कूलों में क्या करना है, पौधारोपण करवाना है। लेटर द कैंपेन विल बी एक्सटेंडेड टू अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। शुरुआत में ये किस आपका विभाग के द्वारा है, ये आपका स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है, बाद में इसे दूसरे विभागों में भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में द कैंपेन वॉज इनिशियली स्टार्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम मेरठ डिस्ट्रिक्ट एंड रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अप्लॉड्स ऑल ओवर द नेशन। मतलब ये जो एक पेड़ माँ के नाम है, ये पूरे देश में आज हर लगभग राज्यों में क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जहां पर वहां का जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम। मतलब इसमें यह बोला गया था कि पेड़ मानसून के पहले आप पेड़ सिर्फ लगाए ना, बल्कि एक साल तक उसकी क्या करें आप, जैसे आपकी माँ आपका देखभाल करती हैं, उसी प्रकार आप उस पेड़ की क्या करें, एक साल तक देखभाल करें, ताकि वो कम से कम सैपलिन से लेकर के आपका ट्री तक का उसका क्या आ जाए, हाइट आ जाए, है ना, सीडलिंग से सैपलिंग हो जाए, सैपलिंग से फिर क्या हो जाए, वो प्लांट बन जाए, तब तक उसका आप नर्सिंग कीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा। तो ये मुहिम का नाम क्या है, एक पेड़ माँ के नाम। कहां से शुरू किया गया था, ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, कहां से, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर के राखी रायपुर से, है ना। कौन से विभाग द्वारा शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में, स्कूली शिक्षा विभाग के माध्यम से शुरू किया गया है। लेकिन देश में ये शुरू कहां से हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के वन विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो जुलाई के पहले हफ्ते में हमारे छत्तीसगढ़ संबंधित जो भी समसामयिकी की थी, आज हमने उन्हें डील कर लिया है। कल हम इस पर बेस करके आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे फिर से MCQs लेकर के, बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के। तब तक हमारे वीडियोज में बने रहेंगे। थैंक यू।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।